नमस्कार, मैं हूं कविता। हेल्दी क्रेविंग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूं दिवाली स्पेशल स्वीट गुलाब जामुन। ये गुलाब जामुन आज हम ना तो खोए से बनाएंगे और ना ही इसमें पनीर का यूज़ करेंगे, इन्हें हम बनाएंगे सूजी से। ये गुलाब जामुन बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम कीमत में तैयार हो जाते हैं और ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप सभी से निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें कैसी सूजी चाहिए वो देख लेते हैं। सूजी इसके लिए चाहिए हमें बिल्कुल महीन वाली, और ये सूजी मुझे थोड़ी सी मोटी लग रही है, इसलिए इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे थोड़ी सी ये फाइन हो जाएगी। देखिए, ग्राइंड करने के बाद हमें सूजी इस तरीके से हो जाएगी। इसका बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बस ये ज़्यादा मोटी है तो थोड़ी सी महीन हो जाएगी। इस तरीके से गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम इस तरीके का थोड़ा सा फैला हुआ और बड़ा बर्तन लेंगे, जिससे कि गुलाब जामुन जो है एक के ऊपर एक इकट्ठे नहीं होंगे। इसमें डालेंगे हम 1.5 कप चीनी और उसके बराबर ही डालेंगे इसमें पानी। जितनी हमने चीनी ली है उतना ही इसके लिए पानी लेंगे, तो चाशनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉईल होने के लिए रखेंगे, बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। देखिए, चीनी घुलना शुरू हो गई है इसमें। अब इसमें उबाल आने देंगे, चाशनी में उबाल आने लगा है। अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये 15 से 20 डालेंगे इसमें केसर के धागे, ये डालना इसमें ऑप्शनल है। 1/2 टीस्पून डालेंगे इलायची पाउडर। इन दोनों से ही गुलाब जामुन में टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत अच्छे आएंगे। मिक्स कर देंगे और हमें चाशनी को बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है। इसको हम हाथ से इस तरीके से करके देखेंगे, बस चाशनी थोड़ी सी चिपचिपी हो, इस तरीके से हमें चाशनी बनानी है। 2 से 3 मिनट इसे बॉईल करेंगे। अभी ये चिपचिपी नहीं हुई है, 2 से 3 मिनट के बाद देखिए इसे फिर चेक करेंगे। अब ये बिल्कुल इस तरीके से चिपचिपी हो गई, जैसे कि ऑयल होता है ना, ये बिल्कुल उस तरीके से हो गई है। अब यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ढक के रख देंगे, जिससे कि चाशनी ठंडी नहीं होगी। चाशनी बन चुकी है। अब गुलाब जामुन के लिए डो तैयार करेंगे। उसके लिए लेंगे कोई भी कढ़ाई, फ्लेम को रखेंगे हम लो टू मीडियम और उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। अब उसमें डाल देंगे ग्राइंड की हुई सूजी। सूजी मैंने लिए है ये 1 कप। मेजरमेंट के लिए कोई भी कटोरी या कप सेट करें, उसी के अकॉर्डिंग अपनी सभी चीज़ें लें। अब इस सूजी को हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनना है, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाएगा। इससे ज़्यादा हम सूजी को रोस्ट नहीं करेंगे। सूजी को 2 से 3 मिनट रोस्ट करने के बाद अब इसमें डालेंगे दूध। दूध डालेंगे हम 2 कप, क्योंकि सूजी लिए हमने 1 कप और दूध डालेगा इसमें दोगुना इसका। दूध डालने के बाद सूजी को हमें लगातार चलाना है। फ्लेम को कर देंगे यहाँ पर हम मीडियम टू हाई और इसे लगातार चलाएंगे, जिससे कि इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं पड़ेंगे। लगातार चलाते रहेंगे और सूजी देखिए अब धीरे धीरे से थिक होने लगेगी। बिल्कुल ये इस तरीके से डो की तरह से हो जाएगी। इस स्टेज में आने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर अभी हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और कुक करेंगे। देखिए, इसने साइड छोड़ना भी शुरू कर दिया है। सूजी को हमें ओवर कुक भी नहीं करना है, ओवर कुक होने की वजह से गुलाब जामुन हमारे फट भी सकते हैं। देखिए, अब ये तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक कोई भी बड़ी प्लेट में इस तरीके से ट्रांसफ़र कर देंगे। थोड़ा सा इसे फैला देंगे, जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। इसे हमें बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, बस ये इतना ठंडा हो जाए कि इसे हम आराम से छू पाएँ। बस ये इतना ही ठंडा चाहिए, जैसे हल्का सा गुनगुना सा। अब इसको थोड़ा सा हम हाथ से मथेंगे। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे देसी घी, करीबन 1 टीस्पून। घी को इसमें पूरे में फैला कर फिर इसे हम अच्छे से मथेंगे। मथने से क्या होगा ना, ये एकदम स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ होने की वजह से इसके गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। हमें गुलाब जामुन के डो को इसी तरीके से नीट करना है, इसे बिल्कुल चिकना बनाना है। अगर आपको ये यहाँ पर थोड़ा सा अगर ज़्यादा ठीक लग रहा हो तो इसमें आप गुनगुना दूध भी डाल सकते हैं 2 से 3 चम्मच, और उसके बाद इसको इसी तरीके से नीट करेंगे, जिससे ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए, हमारा ये डो बिल्कुल स्मूथ हो गया है और इसका प्लेट में चिपकना भी बंद हो गया है।
बिल्कुल देखिए सॉफ्ट डो तैयार हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके का डो होना चाहिए गुलाब जामुन के लिए। ये मैंने थोड़े से किशमिश लिए हैं गुलाब जामुन में फिल करने के लिए, इससे गुलाब जामुन अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। हाथों में थोड़ा सा घी लगाकर इन्हें चिकना कर लेंगे, जिससे कि डो हाथों में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। अब थोड़ा सा पीस लेंगे इसमें से, जितना भी बड़ा हमें गुलाब जामुन बनाना है उतना ही बड़ा पीस लेंगे, थोड़ा सा हाथ से फैला लेंगे और इसके बीच में रखेंगे किशमिश। और देखिए हाथ से इस तरीके से गुलाएंगे इसे। मैं आज गुलाब जामुन सिलेंड्रिकल शेप के बना रही हूँ, लंबे वाले। आप चाहें तो इन्हें गोल शेप में भी बना सकते हैं। इन्हें इस तरीके से गुलाएंगे जिससे कि ये बिल्कुल चिकने हो जाएं। ये ध्यान रखें इसका कि ये बिल्कुल चिकना हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी फटे फटे नहीं होने चाहिए। साइड को देखिए इस तरीके से हम इनकी प्रेस करेंगे और इसे इस तरीके से तैयार करेंगे। देखिए हमारा ये गुलाब जामुन तैयार है। इसी तरीके से हम अपने बाकी के गुलाब जामुन भी बनाएंगे। मैं आपको एक और बना के बता रही हूँ। थोड़ा सा फैलाने के बाद इसमें किशमिश को फिल करेंगे और हाथ से देखिए इस तरीके से गुलाएंगे। शेप आप अपने पसंद से कोई भी दे सकते हैं। इससे पहले मैं आपको खोए और पनीर के गुलाब जामुन भी बनाना बता चुकी हूँ, आप चाहें तो वो भी बना सकते हैं। देखिए हमारा दूसरा गुलाब जामुन भी तैयार हो गया है। ये हमने पहले बैच के गुलाब जामुन तैयार कर लिए हैं, अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए घी को मैंने पहले से ही गर्म करने रख दिया था, लो टू मीडियम फ्लेम पर। घी इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, उसके लिए छोटा सा पहले पीस डाल के देखेंगे। देखिए बस ये धीरे से ऊपर आ रहा है, हमें बस ये इतना ही गर्म चाहिए। अब इसमें गुलाब जामुन डालते जाएंगे, धीरे धीरे डालेंगे और कढ़ाई को एकदम से भरेंगे नहीं। शुरू में हम सिर्फ इसमें 7 से 8 गुलाब जामुन ही फ्राई करेंगे, क्योंकि कितनी बार ज़्यादा डालने से ये फट जाते हैं। डालते समय पर फ्लेम लो रहे ये ध्यान रखें। अब इन्हें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, 2 से 3 मिनट इन्हें इसी तरीके से सिकने देंगे। उसके बाद देखिए इस तरीके से झट से हम इसके ऊपर घी को डालेंगे, इनको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, टच करने से भी ये फट जाते हैं। साइड से इनके ऊपर घी इस तरीके से डालते रहेंगे। अब इनमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ गई है 2 से 3 मिनट के बाद में। अभी भी घी को हम झट से इस तरीके से रोल करेंगे, जिससे कि ये अपने आप मूव होंगे और गुलाब जामुन चारों तरफ से एक जैसे सिकेंगे। अब इनमें अच्छी स्ट्रेंथ आ गई है, तो हम गुलाब जामुन को इस तरीके से अलट पलट करेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हम कर देंगे लो टू मीडियम, और लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें अभी हम और सिकने देंगे। एक बैच को सिकने में करीबन 8 से 10 मिनट का समय लगता है। देखिए हमारे ये पहले बैच के गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। इनका देखिए आप कलर भी बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन आया है। ये अभी हमारे सारे सीख चुके हैं गुलाब जामुन। अब इसी में हम दूसरे बैच के गुलाब जामुन भी डाल देंगे, वही हम 7 से 8 गुलाब जामुन ही डालेंगे इसके अंदर में भी। कढ़ाई को भरेंगे नहीं, फ्लेम को शुरू में लो रखेंगे और बाद में फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। अब इन गुलाब जामुन को हम चाशनी में डाल देंगे। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखें, जब हम गुलाब जामुन चाशनी में डालें, चाशनी उस समय पर गर्म होनी चाहिए। अगर चाशनी आपकी ठंडी हो गई है तो आप इसे गरम कर सकते हैं। गरम चाशनी में ही हमें गुलाब जामुन डालना है। गुलाब जामुन को इसमें अलट पलट कर देंगे। अब हम दूसरी बैच के गुलाब जामुन भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये गुलाब जामुन भी अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इन्हें भी निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे गुलाब जामुन तैयार करेंगे। 1 कप सूजी के डो से तकरीबन 35 गुलाब जामुन बन के तैयार हुए हैं। साइज़ अगर आपका छोटा बड़ा होगा तो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। सभी गुलाब जामुन को चाशनी में डाल देंगे और इन्हें थोड़ा सा इसमें इस तरीके से प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये सभी सेट हो जाएंगे। और इन्हें ढककर अब आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद चेक करेंगे। देखिए गुलाब जामुन का साइज़ भी देखिए आप, काफ़ी बड़ा हो गया है और गुलाब जामुन ने चाशनी को अच्छे से सोख कर लिया है। देखिए मैं आपको एक पीस उठा के दिखाती हूँ, देख के आपके मुँह में भी आ गया है ना पानी। अब इन्हें आप जल्दी से बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। अब गुलाब जामुन को हम सर्व कर लेते हैं। देखिए आप गुलाब जामुन का टेक्सचर और कलर दोनों ही बहुत अच्छे आए हैं। इन गुलाब जामुन को बनाने में सिर्फ 35 से 40 मिनट का समय लगता है और ये बनके तैयार हो जाते हैं। गुलाब जामुन बनाते समय पर 2 बातों का खास ध्यान रखें, जिससे कि आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। पहला तो आप मेजरमेंट बिल्कुल सही लें, जितनी सूजी ली है आपने उसे दुगना दूध लेना है। और दूसरी खास बात, सूजी के डो को अच्छी तरीके से नीट करना है, जिससे कि गुलाब जामुन एकदम चिकने बने। बस इन दोनों बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप सभी को मेरी आज की गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल हेल्दी केविंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
और हमारी हर नई वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।